जैसा विषय है, सीधा अपने से संबंधित है, अपने बालकों से संबंधित है। मैं आरक्षण मैंने कहा तो पत्रकारों के कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन उस समय भी मैंने क्या कहा, किसी ने मूल से पढ़ा है ऐसा नहीं लगता हमको। संघ की इसमें जो भूमिका है उसी का मैंने प्रतिपादन किया था। सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक सामाजिक आरक्षण चलेगा, ये संघ का कहना है। और सामाजिक भेदभाव समाप्त तो हुआ, अब आरक्षण निकालो, ये उनको कहना पड़ेगा जो सामाजिक भेदभाव के शिकार है, तब हो। यह संघ की पहले से भूमिका है, बाला समिति तो एक पत्र परिषद में भी कहा है, क्योंकि ये वास्तविकता है, सामाजिक भेदभाव हुआ है और वो अभी गया नहीं है। अभी भी उदाहरण आते हैं, पेपर में छपते हुए तो उदाहरण आते ही है, मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ, पानी निकाला इसलिए पीटा, ये सब आता ही है। लेकिन आप जरा बारीकी से आपस का व्यवहार देखो, ऑफिसेस में देखो, इधर देखो उधर देखो, अभी भेदभाव है। पहले ये भेदभाव सहन किया जाता था, आजकल सहन नहीं किया जाता है, उसका प्रतिकार हो, इतना ही फर्क पड़ा है और क्या। लेकिन भेद यानी मन में है, ये मन से जाना चाहिए। विषमता का स्थान मन में है, वो व्यवस्था में शास्त्रों में नहीं है। व्यवस्थाएं विषमता का स्थान इसलिए बनती है कि वो मन में होता है। अच्छी व्यवस्था भी विषमता से ग्रस्त तब हो जाती है जब चलाने वालों के मन में अपना पराया आ जाता है। और इसलिए अभी चिन्ह दिख ही रहे हैं, गया नहीं, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए हम कहते भी हैं। निरीक्षण सर्वेक्षण हमने शुरू किया है, इसमें आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग, कि कम से कम सारे हिंदू समाज का मंदिर, पानी, स्मशान की जगह सबकी समान हो, एक हो, सब मंदिरों में सबको प्रवेश रहे, सब पानी की जगहों पर सब हिंदू समाज के घटक पानी भर सके, और सब स्मशान सब हिंदू लोगों के लिए खुले हो, ये होना चाहिए। मन से ये भाव गया है, इसका प्रत्यंतर समाज के प्रत्येक घटक को तब आएगा। लेकिन जब ऐसी बात आती है आरक्षण की, तो फिर दो धड़े खड़े हो जाते हैं, आरक्षण उड़ जा, हम कहां जाते हैं। ये ठीक बात है कि अन्याय किसी पर नहीं होना चाहिए, और इसलिए आज की पीढ़ी में आरक्षण के कारण जिनका अवसर छीनता है उनके मन में चिढ़े, ये भी ठीक है। परंतु अगर हम एक समाज है तो क्या हम ये विचार नहीं कर सकते कि आज तक 1000 वर्ष, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष जिन्होंने सहन किया, सहन ही करते आए और क्या, सब सहन करके भी हिंदू समाज के अंग बनकर रहे, थोड़ा बहुत प्रतिकार हुआ, बगावत की भाषा हुई, कुछ कृति हुई तो पिछले 100 साल में हुई, उसके पहले तो ऐसा नहीं था। इतना सब सहन करके सब प्रसंगों में हिंदू समाज के साथ खड़े रहे, देश के लिए लड़े, सब कुछ सहन किया, 1000 साल उन्होंने सहन किया, हम 100 साल सहन नहीं कर सकते। करना चाहिए, करना चाहिए। दीनदयाल जी और नानाजी देशमुख संघ में काम करते थे, उस समय राजनीति में नहीं गए थे, तब की एक घटना बताते हैं स्वयंसेवक, कि देहातों में से पैदल जाना था और जाते समय पैर गलत पड़ गया तो गिर गए दीनदयाल जी अंदर गड्ढे में, एक तो वो ऊपर आने की राह स्वयंसेवक देख रहे, नानाजी देख रहे ऊपर खड़े होकर, तो दीनदयाल जी ने स्वयंसेवक को कहा, अरे भाई हाथ दो। और बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, गड्ढे से बाहर निकलने के लिए मैंने अपने पौंजे पर मैं खड़ा रहा, एड़िया ऊंची की, हाथ ऊपर किया, और तुम झुक गए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। ये दोनों बातें जब इकट्ठा होती है, ऊपर वाला झुकता है और नीचे वाला उठता है, तब समाज की उन्नति होती है। समाज के उन्नति का यही शास्त्र है।
अब नीचे वाला अगर हाथ ऊपर कर रहा है और उठने की चाह रख रहा है, तो ऊपर वाले अगर एक समाज के हम हैं, तो एक कर्तव्य है ना हमारा झुकना, कर्तव्य है, वो करना चाहिए, दिल पर पत्थर रखकर कहना चाहिए, थोड़ा हमने भी सहन करना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा विचार हम क्यों नहीं करते? ये समझना पड़ेगा। ये बात समझदारी की है, ये बात आत्मीयता की है, ये बात प्रेम की है, बंधुभाव की है, मनुष्यता की है, और इसी को धर्म कहते हैं। धर्म के जो इथिक्स है, धर्म के जो मूल्य है, वैल्यूज है, वो यही है, सत्य ज्ञान।